राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चावला सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी और अहम सुनवाई हुई। राजधानी दिल्ली में साल 2012 में हुए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा सुनाया गया तीनों दोषियों की फांसी की सजा का फैसला पलट दिया। इसके साथ ही अदालत ने इनकी रिहाई का भी आदेश दे दिया है। गौरतलब है कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। तीनों दोषियों यानी राहुल, रवि और विनोद को निचली अदालत ने 2014 में मौत की सजा सुनाई थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट भी अपनी मोहर लगा चुका था। इसी मामले पर सुनवाई के दौरान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए तीनों दोषियों की रिहाई का आदेश दिया है। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सुनाया है। बता दें कि इससे पहले 7 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों की फांसी की सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।